तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो मौसम बात करने वाले हैं साउथ फिल्मों के डी बॉस दर्शन सुपरस्टार फिल्म काथेरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म काथेरा के कलेक्शंस की, तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 21 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और फिल्म का कलेक्शंस अनस्टॉपेबल नजर आया है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात कर ले तो फिल्म का थर्ड वीक कंप्लीट करते करते टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 तक वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 191.89 करोड़ की ब्लॉकबस्टर कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म काथेरा को ओवरऑल 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर, और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 3 गुना ज्यादा कमाई कर 200 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म काथेरा महज 7 डेज के अंदर ही कनाडा के बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया था। कनाडा लैंग्वेज की फास्टेस्ट 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म ने KGF चैप्टर 2 के 8 डेज के अंदर 100 करोड़ के आंकड़े को तोड़ा था। फिल्म काथेरा की बात कर ले तो फिल्म काथेरा में सुपरस्टार दर्शन जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म में फीमेल लीड रोल में आराधना राम नजर आ रही हैं। दोस्तों फिल्म को अगर आपने मिस किया तो आप एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म काथेरा का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं साउथ फिल्मों के रेवरिस्टा प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर के कलेक्शंस की, तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 28 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, यानी फिल्म अपने फोर्थ वीक को कंप्लीट कर चुकी है। बात करेंगे फिल्म सलार के टोटल कलेक्शंस की, तो फिल्म सलार का कलेक्शंस अनस्टॉपेबल नजर आया है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 28 की बात करें तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 28 के अंदर भी ठीक ठाक आंकड़े निकल कर आए हैं। वर्किंग डेज होने के चलते फिल्म सलार ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 28 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 1 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर का फ्रॉम डे 28 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 752.35 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई कर चुकी है। जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 262 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का हिंदी वर्जन में 208 करोड़ की कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म सलार को ओवरऑल 400 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है इंक्लूडिंग प्रिंट्स एडवर्टाइजिंग एंड स्टार्स के सैलरीज को मिलाकर। दोस्तों आप सभी को बता दूं फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर के लिए प्रभास को 100 करोड़ की फीस दी गई है। वहीं दोस्तों फिल्म को लेकर के एक अपडेट आप सभी को बता दूं कि फिल्म अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। फिलहाल फिल्म का ऑफिशियल डेट कंफर्म नहीं है। दोस्तों फिल्म सलार पार्ट 1 सीज़फ़ायर को अगर आपने मिस किया तो आप एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 29 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे शाहरुख खान तापसी पन्नू एंड विकी कौशल स्टार फिल्म डंकी के कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म डंकी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 29 के अंदर 25 लाख की कमाई हुई है। इसी के साथ फिल्म डंकी का फ्रॉम डे 29 तक टोटल इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 226.45 करोड़ की कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 461 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म डंकी को 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों फिल्म के बारे में बात करें तो फिल्म को राजकुमार हिरारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 5 दोस्तों की कहानी है जो लंदन जाने का सपना देखते हैं। क्या वे लंदन जाते हैं और लंदन जाते हैं तो वतन वापसी कैसे होती है, कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमी है। फिल्म डंकी को मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के कलेक्शंस का। ये पोस्ट फसल है तो लाइक करिएगा और लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।